हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। पहले 1979 में शायद यही स्थान था जहां पर सफदर आशमी और सफदर आशमी की जो टीम जो नाट्य मंच के रूप से जो लोगों की दुख तकलीफ के आधार पर नाटक करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि इस व्यवस्था की क्या सच्चाई है। एक नाटक इसी चौराहे पर किया जा रहा था और मेरा ख्याल है उस नाटक का शीर्षक जो विषय था वो हल्ला बोल था। जिस नाटक के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे इस व्यवस्था के अंदर जो मजदूर अपना श्रम बेचता है, मेहनत बेचता है, उसके साथ लूट घुसूट जुल्म और अत्याचार कैसे होता। और आज से 30 साल पहले जब जनाट्य मंच सफदर आशमी और उनकी जो टीम है इस नाटक को यहाँ पर कर रहे थे तो इसी इंडस्ट्रियल एरिया का इर्द गिर्द बहुत से ऐसे पूंजी के मालिक हैं, जब वो नाटक पेश करते थे तो उनको वो जो नाटक किया जाता था वो बहुत चुभता था और उस नाटक के जरिए जो संदेश दिया जाता था उसको रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। और बहुत दुख है आज जब मैं आया हूँ, ये एक शादी दिवस है हमारे लिए, तो आक्रमण किया गया और जो कहा गया है और जो हमने सुना है अपनी जिंदगी में, जो इस इलाके के जो लिठैर थे, जो फैक्ट्री के मालिकों का शरण दिया करते थे, जो पूंजी को जो लूट पूंजी करती है उस पूंजी को संरक्षण देने का कार्य करते थे, उन्होंने आक्रमण कर हमारे बीच में से सफदर आशमी को छीना। लेकिन मैं समझता हूं सफदर आशमी बेशक आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं माला जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, सफदर आशमी के विचार को कोई छीन नहीं सकता है। मैं ये कहने यहाँ पर आया हूँ सफदर आशमी आज भी हमारे लिए आदर्श है। उनका विचार, उनकी समझ, उनकी जो पूरा हमारे लिए जो दिए हैं वो हमेशा के लिए अमर रहेगा। उनका विचार का कत्ल नहीं किया जा सकता है, जेल में नहीं डाला जा सकता है। वो आज विचार जगह जगह जाएगा, पूरे देश में फैलेगा और जो भी उसको समाप्त करना चाहते हैं वो आने वाले समय में रह नहीं पाएंगे। ये मेरा कहना है, मेरा ये इलेक्शन आए सर पे और किया ना हो कुछ काम, तब लेने लगे ये राम मंदिर का नाम। इनका तो पंडा है सिंपल सा यार, माइनॉरिटी दबा के मजॉरिटी से प्यार। इलेक्शन आए सर पे और किया ना हो कुछ काम, तब लेने लगे ये राम मंदिर का नाम। नाम क्या है? बाप का नाम क्या है? रहता कहाँ है? होगा कोई
चार नकारा हिता है मारा मारा ये है चोर की औलाद ये है चोर की औलाद। टीवी और रेडियो पर अनाउंसमेंट करवाओ। यस सर। शहर की हर दीवार पर पोस्टर लगवा दो। यस सर। कोना कोना छान मारो मगर आज रात से पहले मेरा बेटा मुझे ला कर दो। जैसे हुकुम कमिश्नर साहब। सलाम कमिश्नर साहब। और कुछ नहीं वो एक चोर की औलाद बाजार में आ गया था। कुछ नहीं जी मैंने उसको समझा दिया सब ठीक हो गया। चोर की औलाद। हाँ सर चोर की औलाद। दिखाओ। हाँ सर चोर की औलाद है ना। दिखाओ सर चोर की औलाद। दिस इज माय ऑर्डर। चोर की औलाद। आए चोर की औलाद चल अपनी शक्ल दिखा कमिश्नर साहब को। पलट चोर की औलाद। सर देखिए चोर की औलाद ऊपर कर। बॉम्बे के इनका है शहादत दिवस सरफराज जी का। इसके लिए तो ये तो शहादत दिवस है इनके याद में किया जाता है इनको दोहराने के लिए ताकि लोग ये नहीं समझे कि उन लड़ाई में मारे गए और उनके पीछे कोई नहीं है। इसलिए लोग याद में करते हैं लोग तन मन धन से इसमें आते हैं और साथ देते हैं। 1989 जब कॉमरेड सफदर की हत्या हुई थी उससे पहले मजदूरों के पक्ष में सांस्कृतिक कर्मी आयोजन नहीं करते थे। उससे पहले भी आयोजन होते थे मगर कॉमरेड सफदर ने उसके अंदर एक अमिट छाप छोड़ी है अपनी कुर्बानी के द्वारा और इस बात को हम भूलेंगे नहीं। CITU कदापि भूलेगा नहीं इस बात को। इस परंपरा को जो साझी परंपरा है रंगकर्मियों की सांस्कृतिक कर्मियों की और मजदूर संगठन की जो एकता है इसको आगे लेकर के हमें चलना है। इसीलिए इसके संदर्भ में आज का जो ये 1 जनवरी का कार्यक्रम है ये अपने आप में महत्व रखता है साथियों। दूसरी बात हमारे साथ एक हफ्ता भी दूर नहीं रह गया 8-9 जनवरी की पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल है और इसका एक विशेष संदर्भ है साथियों। अभी लगभग 4 महीने बाद देश को ये तय करना है कि आने वाले दिनों में क्या दिशा पकड़ेगा ये देश। ऐसे झूठे लोगों के फरेबी लोगों के हाथों में सियासत को देगा जिन्होंने पिछले 4.5 साल पहले जितने भी वायदे किए गरीबों से मजदूरों से महिलाओं से नौजवानों से सभी के अंदर वो सरकार विफल रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे देकर के जो सरकार आती है सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि गांव देहात के अंदर लगभग हमारे देश की जो 70% आबादी बसती है 62 करोड़ जो आबादी है वो 6,000 से 5,000 रुपए मासिक केवल कमा पा रहे हैं। आधी आबादी देश की केवल 5,000 रुपए पर अपना परिवार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी प्रकार से शहरों के अंदर जो मासिक आमदनी है 6,000 से 10,000 पर आकर के रुक गई है। क्या इसी को सबका साथ सबका विकास कहेंगे? तो मंदिर मस्जिद के झगड़े में हजारों जिंदे जलवाए अरे तुम तो अंतर्यामी स्वामी पापिन ने तुम भी बहकाए। कैसे बहकाए? अरे बोरे की कर अरे बोरे की कर खारे आम ऐसो मुते लगो हराम बोलो रघुपति राम राजा राम भगतन ने कर दिए बदनाम। Yeah.
भारत का अपमान किया है और उसे मृत्यु दंड ही मिल सकता है। इस राज्य के सभी माननीय लोगों का मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूं और साथ ही उन सूत्रों का भी जो आज इस सभा में आए हैं। एक अद्भुत षड्यंत्र के समक्ष आज आप सब लोग यहाँ हैं। नाटक के बाद अभी नहीं। एक राष्ट्रद्रोही जो अपने आप को कलाकार कहता है और जिसका पक्ष रखने यहाँ कोई नहीं आया, आज दोबारा अपनी सुनवाई करवा रहा है। राम उसी रंग के होंगे। क्यों? क्योंकि राम महाराजाओं की कल्पना से हमें मिला है और तथागत हमारी कल्पना से उन्हें। हमारे राष्ट्र संघ के तथागत तुम्हारे रंग के होंगे या हमारे महाराज के रंग के होंगे? राष्ट्र स्थल में जो राष्ट्र है, यदि वो मुझ जैसे सैकड़ों का है तो मेरे रंग के, और यदि महाराज के अस्तबल की तरह महाराज की अपनी संपत्ति है राष्ट्र, तो उनके अगर अगर अस्तबल में स्थापित होते तो क्या वो श्वेत होते? महाराज अब एक बार जोर से रो दीजिए। क्या रो दीजिए महाराज, ये सभा समाप्त करिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? अरे तुम मेरी तरफ हो या इनकी तरफ? देखिए महाराज, अब इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बात पर विश्वास कर रहा है या आपसे डर रहा है। और कोई रास्ता नहीं है महाराज, रो दीजिए। परंतु महाराज, अगर इसी तरह विद्रोह फैलता गया तो कल तथागत की उंगलियों का तो नहीं मालूम, लेकिन आपकी नाक का भय है। नाटक जो किए हैं बहुत बढ़िया है। लास्ट में जो किए हैं ये अगर शाम के टाइम में लाइट वाली में हुआ तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन थोड़ा सा लाइट की में रोशनी में दूर से लोगों को देखने में थोड़ा सा ये हुआ है, आवाज़ कम है, आवाज़ थोड़ी और बढ़ जाती। जीने चरैया जीनी 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 चरैया जीनी काहे के तारा, काहे के तारा, काहे के भरनी, काहे के तारा, काहे के भरनी, कौन चल
की मशीन, मशीन का है एक मालिक और बहुत से पुर्जे यानी के मजदूर, दिन भर चलती है ये और रात को भी देती है बहुत कुछ लगातार, तरह तरह का सामान, तरह तरह की आराइशें, है ना बहुत खूब। देखने में छोटी सी पर काम घेनु की बहन है ये, देखने वालों के लिए पहेली सी और कामगरों के लिए सहेली सी। क्या कहा आपने, किसने बनाया इसे? अजी आपने, 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 उन्होंने और मैंने भी, यानी इस मशीन को जिन्होंने बनाया वो आप और हमारे जैसे इंसान थे, हमारे ही पुरखे, पर बड़े ही विकट, बहुत ही जी और जान से बनाया था इसे और बड़े इत्मीनान से, सदियों की मेहनत है इस मशीन की जड़ में, खट खटा खट, खट खटा खट, खट खटा खट, खट सिक्योरिटी अफसर कहते हैं मुझे, सिक्योरिटी अफसर कहते हैं मुझे, जरा डर के रहना। कुछ लोग ही हैं जो बढ़ते आसमानों के तरफ, जिनके हिस्से में है इस जहां की सभी दौलतें, कारखानों के दहाने हो या हो मजूद, लहलहाते खेत हो या हो किसान, कोई शय ऐसी नहीं जो इनके जबड़ों से हो दूर। और दूसरी तरफ यह लाखों करोड़ों मुफलिसों का हुजूम, पिरामिडों से ताज तक जिन्होंने बनाए, फन के माहिर है ये खूब, इस धरा से उस गगन तक, आज जिनकी जौहर की मची है धूम, इनके पेटों में दाने तक नहीं, लावारिसों से रहते ये खूब। अजी छोड़ो जी, अजी छोड़ो जी, सवाल कुछ टेढ़े हैं ये, अजी नाचो जी, अजी कूदो जी, हवाल कुछ गहरे है ये। भाई तानाशाही एक तरह से, भाई जिसके हाथ में राजनीति सत्ता होती है वो अपना कुछ भी तरह से इसको यूज करता है। भाई जैसे सरमाईदारों ने मिस्टर हाशमी के साथ ऐसा किया, अभी बुलंदशहर में एक एएसआई के लिए ख़त्म किया। भाई जिसकी सरकार या जिसकी सत्ता होती है वो अपने सारे हथकंडे अपनाता है। हिटलर बन के जो आया, जनता ने कबर भी खोदी, जीने का हक छीन रहा है वही नरेंद्र मोदी। और उसी क्रम में सालों साल हम उनकी शहादत दिवस मनाते हैं। शहादत दिवस का मतलब ये नहीं केवल कि हमने अपना लेक्चर दे दिया, नाटक हो गया और हम तालियां बजाओ चले गए। शहादत दिवस का मतलब ये है जिस प्रचार को, जिस काम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सरकार ने हमें दिशा दी थी, मजदूरों, गरीब सबको के लिए, तमाम उद्योगों पर रोजमर्रा के लिए जिनका मिनिमम वेज भी नहीं था, आज भी नहीं है, उसी क्रम में कुछ जगह हमें सफलता मिली है और हमें आगे ये मिशन है, जब तक तमाम उद्योगों पर ये लाल झंडा CITU का नहीं लग जाता हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
सफदर हसमी की यहाँ डेथ हुई थी, इसलिए उन्हें वो दूसरी पार्टियों ने मार दिया था, इसलिए ये अच्छी लगी कि राजा जी जब रो रहे थे ये नाटक मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो वहाँ पे सब थे जब हंस रहे जब बोल गाना गाते ये मुझे बहुत अच्छा लगा, डांस और गाना बहुत अच्छा लगता है। तेरे